ओम शांति। हम सभी को अपनी भिन्न भिन्न परिस्थितियों के समय अचल अडोल स्थिति को धारण करना है। ये हमारा एक सुंदर लक्ष्य है। इसके लिए हमें चाहिए ज्ञान का बल और योग का बल। आत्मा जितनी शक्तिशाली बनेगी योग बल से, हम परिस्थितियों को, समस्याओं को सहज भाव से लेंगे। हमें बहुत अच्छा अपने में कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये बातें आई हैं चली जाएंगी, हम उन्हें सीरियसली लेंगे ही नहीं। और ये परिस्थितियां ऐसा अनुभव कराएंगी कि इनसे हमारा विवेक और जागृत होता है, रिफाइन होता है, हमारे अनुभव बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में ऐसा न हो कि समस्या और परिस्थिति जैसे हमको बेहोश कर दें, हम पे दबाव बना लें, हमारी खुशी को छीन ले जाएं, हमारे ईश्वरीय नशे को लोप कर दें। और इसके लिए चाहिए ज्ञान चिंतन। इसलिए जो आत्माएं रोज मुरली का रस लेती हैं और मुरली के सुंदर सुंदर पॉइंट्स को अपने जीवन में लाने की प्रैक्टिस करती हैं, उनका चिंतन करती हैं, वो अचल अडोल हो जाती हैं। ज्ञान चिंतन से ज्ञान एक शक्ति के रूप में हमारे विवेक में समा जाता है। अगर ज्ञान का चिंतन नहीं होता तो ज्ञान विस्मृत होता रहता है, ज्ञान को हम जीवन में अप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना जितना हमारा ज्ञान का चिंतन चलता है, मूल्यों से हम सुंदर बातें नोट करके अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं, उतनी उतनी हमारी जीवन की यात्रा सरल हो जाती है, हमें ज्ञान का बल प्राप्त होने लगता है और ज्ञान के इस सब्जेक्ट में हमें बहुत मार्क्स मिलने लगते हैं। तो हम सारा दिन बहुत अच्छी इस गुड फीलिंग में रहेंगे। हम समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हैं, हमारे साथ तो स्वयं भगवान है। समस्याएं तो आई गई हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। और जो व्यक्ति भी संसार में आज तक महान बने हैं, उन्हें अनेक बाधाओं को तो पार करना ही पड़ता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति एक नए मार्ग पर कदम रखता है, उसे सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। वैसे भी ये कलयुग का अंत है, असत्यता का युग है, कांटों का जंगल है। यहाँ सत्य को ज्यादा ही सहन करना पड़ता है, सत्य को ज्यादा ही सुनना पड़ता है। परंतु सत्य में शक्ति होती है, सुनने की भी, सहन करने की भी। इसलिए अपने सत्य पर सदा अचल अडोल रहना है। दूसरों की ऐसी वैसी बातें सुनकर अपने सत्य स्वरूप को भूल नहीं जाना है, अपने में विश्वास को कम नहीं कर देना है। बहुत आत्माओं के साथ ये हो जाता है कि दूसरों की बातें सुनकर, माया से कहीं थोड़ी बहुत हार खाकर मनुष्य अपनी शक्ति को भूल जाता है, निराशा के अंधकार में चला जाता है। परंतु हमें माया को भी जीतना है, क्योंकि माया को जीत प्राप्त कराने वाला सर्वशक्तिवान भी हमारे साथ है। सोच लें, वो हमें आया ही है विजयी बनाने। केवल हमारे अंदर यदि विजयी होने का संकल्प होगा तो विजय हमारी ही होगी। जब भगवान स्वयं इस धरा पर आत्माओं को पावन बनाने आया हो, तो बस केवल इतनी सी बात है कि स्वयं में पावन बनने की इच्छा हो, उसके हम पॉइंट्स ढूंढ लें, मार्ग ढूंढ लें, तो हमारी विजय भी होगी, हम पावन भी बनेंगे और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत अधिक बढ़ता जाएगा। तो अचल अडोल होकर हम अभ्यास करेंगे अपने पांचों स्वरूपों का। हम देव स्वरूप में थे, उसे अपने सामने लाकर अपने को ये गुड फीलिंग देंगे, मैं ये थी, मैं ये था, ये है मेरा असली स्वरूप, पूज्य स्वरूप। हमारे जिस स्वरूप की मंदिरों में पूजा हो रही है, उस स्वरूप को सामने लाएंगे। और आज मैं आपको याद दिलाऊं, हम अपने विष्णु स्वरूप को सामने लाएंगे। विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान है, सांपों ने सैया बना दी है, छत्र छाया बना दी है,
अचल अडोल स्थिति है, सागर में तूफान है, लहरें हैं, लेकिन विष्णु जी मग्न अचल अडोल स्थित हैं अपनी शेष सैया पर। तो ये हम सब की यादगार है, इसको आज सामने रखते हुए अपने पूज्य स्वरूप को याद करेंगे, अपने फरिश्ते स्वरूप को, ब्राह्मण स्वरूप को, पांचों स्वरूपों को एक बार घंटे में अवश्य याद करेंगे, सवेरे शाम 5-5 बार याद करेंगे। ओम शांति।